हेलो स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.5 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं और कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। देखिए, मैंने आइडेंटिटीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जो कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स है ना, उनके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया। जैसे ए प्लस बी है, ये ए और ये इसको बी मान लीजिए, यहाँ भी ए प्लस बी मान लीजिए। तो देखिए, ए प्लस बी और ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है हमारे लिए। तो ये हमने लिख दिया एच प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x यानी कि 2AB प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कंप्लीटली एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। यूज द सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। इन आइडेंटिटी का यूज करना है और किस तरीके से हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 2y और बी की वैल्यू 5 दी हुई है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर, 5 4 20 और 5 5 25। इसी तरीके से आगे की हम बात करें, 2a-7 ये हो जाएगा 2a-7। तो आप देखोगे कि 2a-7 और ये हो गया 2a-7 इक्वल टू हो जाएगा 2a-7 का होल स्क्वायर। सो a-b का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2a और b इक्वल टू 7। तो यहाँ पे भी देखिए, 2a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस का 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49। आगे बढ़ते हैं, 3a-1/2 और 3a-1/2, यहाँ हो जाएगा 3a-1/2, ये हो जाएगा 3a-1/2 यानी कि 3a-1/2 का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3a और b इक्वल टू 1/2, हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सो 9a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस 1/4। तो इस तरीके से हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी लिखा है 1.1m-0.4, फिर लिखा है 1.1m+0.4। सो ए प्लस बी और ए माइनस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर और 0.4 का स्क्वायर। तो ये 0.4 का स्क्वायर है ना कि 42, आप 42 मत समझिए इसे, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा ये, राइट। और जब ये इसका स्क्वायर होगा तो आप कह सकते हो 1.21 m का स्क्वायर माइनस 0.16 आएगा जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और दो डिजिट के बाद पॉइंट, 11 का स्क्वायर 121, दो डिजिट से ठीक पहले पॉइंट। इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ। अगर आप देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। और ए का स्क्वायर का स्क्वायर यानी b² और a⁴, ये इसका आंसर होगा। आप अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो भी इसका आंसर वही आएगा जो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी से फाइंड आउट कर रहे हैं। ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू हो जाएगी 6x, बी की वैल्यू 7। तो 6x-7 और 6x+7, तो 6x² - 7 का स्क्वायर, 36² - 49। यहाँ लिखा हुआ है सी माइनस ए और ये सी माइनस ए, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखिए, ए और ये हो गया बी, सो c² - 2ca + a² इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, चीजें बहुत आसान है बट आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और यहाँ भी ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल सा लगेगा। भले ही फ्रैक्शन में दी हुई चीजें, हमें डरना नहीं है उससे। एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab + b², तो ये हो जाएगा x² अपॉन 4। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे 3 आ रहा है, इसको मैं आपको बताता हूँ कैंसिल आउट कहाँ कहाँ हो रहा है। ये 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। और यहाँ पे 3 अपॉन 4 दिया हुआ है आपको, तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है, 3 अपॉन 4 ही आ रहा है, राइट।
और इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे 9y² का 4 16 हो गया, x² अपॉन 4 हो गया, राइट। तो चीज़ें आसान है, ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इस तरीके से क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अपॉन में 4 आना चाहिए था। 7a-9b और 7a-9b, a-b का होल स्क्वायर है कम्प्लीटली ये, तो आप देखेंगे a=7ab=9b, सो 49a² माइनस का 126 है प्लस 81b². इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, अब एक और आइडेंटिटी यूज करना है जिसमें दिया हुआ है x² + a + b x + ab। तो यहाँ पे आप देखोगे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है, सो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है, राइट। तो सो x² + 3 + 7x + 21, राइट, 7 3 = 21। तो आप देखोगे x² + 10x + 21 हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे 4x + 5, यहाँ हो गया 4x + 1, सो 4x + 5 और ये हो गया 4x + 1। तो आप देखोगे x² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये a+b यानी कि ये x + 5/4, और यहाँ पे हो गया, अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो 4। तो हमें क्या करना है, केवल यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगा x² यानी कि 16, और x² + a+b हो गया, और ये x a * b हो गया। a * b का मतलब क्या हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो ये जो 4 है ना, इसका हमने डिवाइड करना है कॉमन लेकर के, यानी 4 का अगर हम डिवाइड कर देते हैं, 4 कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए बहुत बार बच्चे होते हैं इनको समझ नहीं आता, 4x + 5 दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 4x + 1, तो ये 4 का कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे कम्प्लीटली, और 4 का डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे 4 का डिवाइड करते हैं, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, और तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/4 बचेगा, और इसी तरीके से ये 4 से 4 कैंसिल, x/4 बचा, राइट, x + 1/4 बचा, और यहाँ पे x + 5/4। और यहाँ पे अगर आप 4 का कर रहे हैं डिवीजन, तो मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा 4 का, ताकि आप बराबर कर पाए इन चीज़ों को। 4 4 = 16 हो गया, ये 16 तो ये हो गया, और प्लस ये हो गया, तो ये हो जाएगा x² यानी कि ax² हो गया, ये a+b a+b x हो जाएगा, a * b यानी कि 5/4 * 1/4 यानी कि 5/16, 5/4 * 1/4, तो ये क्या हो जाता है, 5 1 = 5, 4 4 = 16, तो ये हो जाएगा 5/16। और जब ये 5/16 आ गया, तो आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो 16x² + 24x + 5 इसका आंसर होगा। इसी सेम इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, यहाँ भी हम उसी तरीके से करेंगे, केवल माइनस दिया हुआ है, तो हमें उसमें ऐसा नहीं डरना है कि यार माइनस दिया हुआ है तो क्या होगा। आप बी की जो वैल्यू है उसको माइनस लेकर के आप सोल्व करिए, 5/4 है, ये 1/4 है, ये 6/4 है, ये 5/16 हो गया, और यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ भी देखिए 4x - 5 दिया हुआ है, राइट, और 4x - 1 दिया हुआ, तो हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है, यहाँ एक्स होना चाहिए, यहाँ एक्स होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 4x है, तो हम 4 को 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड कर देते हैं 4x - 5 में, ये 4 का डिवाइड भी कर दिया, तो 4 ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ भी 4 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x/4 - 1/4, ये 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट हो जा रहा है, लेकिन बाहर भी हमारे पास 4 आ गया, 4 4 = 16 हो गया, राइट, और ये हो जाएगा x - 5/4, और ये हो जाएगा x - 1/4, तो ए की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रहेगी, राइट, और ए की वैल्यू हो जाएगी -5/4, और बी की वैल्यू -1/4, तो इस तरीके से -1/4 - 5/4 पुट कर देंगे, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी इजीली, और केवल हमें आइडेंटिटीज में वैल्यू पुट करना है। तो आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए, ये आइडेंटिटीज भी यूज करते हैं x² + ब्रैकेट के अंदर a+b x * a * b। यहाँ भी देखिए ना x + a x + b दिया हुआ है, तो सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करेंगे हम, 16 को माइनस लेकर के कॉमन लेकर के चीजों को सॉल्व करेंगे, आसानी से चीजें आती है। यहाँ भी अब हम 2 का डिवाइड करेंगे दोनों ही टर्म्स में, 2 यहाँ से निकल करके आएगा, 2 उधर से भी निकल करके आएगा, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 2x + 5y दिया हुआ है, राइट, और यहाँ दिया हुआ है 2x + 3y, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो 2 को जब हम कॉमन, जैसे 2 का हमने कॉमन लिया, 2
टू का डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 2x/2 + 5y/2, राइट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये बच गया क्या, एट 2 ब्रैकेट के अंदर x + 5y/2। फिर यहाँ 2 कॉमन लिया तो x + 3/2y हो गया, राइट। ये हो गया तो 2 2 = 4 हो गया। अब ये हो जाएगा हमारे पास x² + a + b x + a * b, राइट। तो इस तरीके से ये चीजें आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये 2a² + 9 है और ये 2a² + 5 है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2a² और ये हो जाएगा a = 9 b = 5। सो 2a² + 9 और ये हो जाएगा 2a² + 5। सो 2a² हो जाएगा 2a² का स्क्वायर और यहाँ 9 + 5 * 2a² के स्क्वायर + 45, तो ये हो जाएगा 4a⁴। ए टू दी पावर फोर का मतलब 2 का स्क्वायर तो हुआ, उसका भी स्क्वायर ही है। सो 28a² + 45, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पे x y z - 4 दिया हुआ है और यहाँ पे x y z - 2 दिया हुआ है, तो यहाँ भी वैसे ही है, x की वैल्यू x y z, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -2। हम आइडेंटिटीज में वैल्यू पुट करेंगे, x² यानी कि x + y + z² राइट, x+ नहीं है बल्कि x y z² प्लस a + b यानी कि a - 2 और ये b - 2, x y z x है, प्लस a * b, a 4 * 2 यानी कि 8। तो इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, लेकिन आइडेंटिटीज का यूज करके हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो b - 7 का होल स्क्वायर होता है a² - b² a² - 2b + b², तो b² - 2 * b * 7 + 49, सो b² - 20 14b + 49 हो जाएगा। इसी तरीके से xy + 3z का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा x² + y² xy का होल स्क्वायर + b = 3z है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास xy का होल स्क्वायर + 2 ब्रैकेट के अंदर xy और 3z और +3z का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² + y² यहाँ पे जब हम करेंगे, और 2xy और 3z का करेंगे तो 2 3 = 6 और xyz, ये 3 3 = 9 z² तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए a² 6a² - का 5y दिया हुआ है तो a - b का होल स्क्वायर हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो a² - b 2ab + b² ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुट करेंगे अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6x⁴ 36, 6 6 = 36 और x⁴ 2 × 6 × 5, 5 2 = 10 और ये 60x² y + 5 5 = 25, 2/3m + 3/2n का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/3m + 3/2n का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर + 2 * a * b + b² यानी कि 9/4, 3/2 का मतलब हो जाएगा 9/4, सो 4/9m² + 2mn + 9/4n² अब इसी तरीके से अब ये पॉइंट में दिया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पॉइंट के क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं कि यार ये होगा कैसे। देखिए वैसे ही होगा जैसे हम बाकी क्वेश्चन कर रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर यहाँ भी लगाएंगे, ए की वैल्यू 0.4 दी हुई है, बी की वैल्यू 0.2 दी हुई है, तो a - b का होल स्क्वायर यानी कि ये a² और ये -2ab + b² हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे 4 4 16 यानी कि 0.16 हो जाएगा, क्योंकि जब देखिए पॉइंट में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 0.4p का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। तो हो जाएगा 0.4p * 0.4p, तो हो जाएगा 4 4 = 16 p², बट पॉइंट कहाँ लगेगा, एक 1 और ये 2, तो 2 डिजिट्स के ठीक पहले पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं और ये आपके लिए काफी आसान रहने वाले हैं क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2xy + 5y का होल स्क्वायर, यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर यूज करेंगे और चीजें इजिली हमारे पास सॉल्व हो जाएंगी। ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और सिंपलीफाई करने वाले, इसको भी आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। ये a - b का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर यूज कर दो इसमें, a² और ये b². सो a² + 2ab + b² यानी कि a⁴ 2a² b² + b⁴ ऐसे ही 2x + 5 का होल स्क्वायर और 2x - 5 का होल स्क्वायर। तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर दिया तो ये 4ab आता, और ये 4ab आता कैसे, देखिए हो सकता है मैंने कॉन्सेप्ट में नहीं बताया बट इसको मैं बता देता हूँ। देखिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, राइट? और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर। जब इस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट टर्म्स को देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर तो पहले से ही है, जब इसका करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 AB और माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा? क्या 4 AB बचा। तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं आइडेंटिटी से कि 4 AB होगा। बस अब यहाँ पे जब 4 AB होता है तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं 4 AB, यानी 4 × 2 × 5, यानी कि 40x। तो चीजें आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा। जैसे 7m - 8n का होल स्क्वायर है और 7n + 8n का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर वही इसका फॉर्मूला है, 2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है आइडेंटिटीज, तो 2 ब्रैकेट के अंदर हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? और ये प्लस है तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट के अंदर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का 49, 49 में 2 का करेंगे 98, 88 जा 64, 64 में 2 का करोगे 128 n² होगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ भी सेम दिया हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, फिर प्लस यहाँ भी लगाया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब हम प्लस करेंगे यहाँ पे, जब सेम तरीके की जो लाइक टर्म्स, जैसे कि 4 16 है ये और यहाँ पे 25 है, तो ये क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। जैसे 25 n² है और यहाँ पे 16 n² है, तो 41 n² हो जाएगा। ये दिया हुआ है कम्प्लीटली और ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 80 m n। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, पॉइंट में देख करके लोग डर जाते हैं यार होगा कैसे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो, ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो अब होगा क्या, 2.5 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 2.5 - 1.5 का होल स्क्वायर, माइनस 1.5 - 2.5 का होल स्क्वायर। सो ये 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है दो डिजिट से ठीक पहले पॉइंट, 2.25 का क्यू स्क्वायर यानी कि दो डिजिट से ठीक पहले पॉइंट, फिर यहाँ पे 75 PQ माइनस लगा देंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी 4P² - 4Q²। इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। सो ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2 AB² C क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 AB + B² इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो a² + b² + b² c² + 2 AB² C, तो a² b² + b² c², राइट? अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है m² - n², ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस, इसमें प्लस कर देंगे हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 AB + B², तो ये ए स्क्वायर माइनस 2 AB + B² हो जाएगा कम्प्लीटली। और सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमारे कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये पूरे के पूरे दोनों, ये जो दोनों टर्म्स है ना ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या, m² + n² + m² ये कैंसिल क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ईजिली ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो चीज़ें हैं बहुत आसान, बट आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ों को और कैसे हमारी अप्रोच रहनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। देखिए क्वेश्चन बहुत है ना आसान होते हैं, बट क्या होता है कभी कभी हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि यार ये चीज़ तो हमें समझ में नहीं आती है, अब मैं समझूंगा कैसे। बहुत बार होता है कि लोग समझते हैं सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, अब एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, चीज़ें समझ आएंगी। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ, आपको फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर प्लस 2 AB + B², यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ, फॉर्मूला लगाओ ना यार, क्या दिक्कत है, राइट? अब यहाँ पे देखोगे दो आइडेंटिटीज हैं, एक आइडेंटिटीज आपने ये देखी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -4 AB, ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये और -4 AB कर देंगे, तो चीजें खुद ब खुद समझ आएगी, ये -2 AB हो जाएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो, ए स्क्वायर -2 AB + B², राइट? तो अब हम करेंगे क्या, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2 AB + B², बस यही फॉर्मूले लगने वाले हैं इसमें दोनों इक्वेशन में। अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, इस दोनों इक्वेशन में देखो क्या हो रहा है, इस वाले फॉर्मूले को देखो और इस वाले फॉर्मूले को देखो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने रखा, -4 AB रखा, 4 AB का मतलब ये आपने देखा कैसे आया 4 AB, और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन में वैल्यू को, जब हम सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू क्या आ गई 7, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 AB होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, तो क्या आएंगी चीजें, देखिए आपको खुद समझ आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने सॉरी ये क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सो दैट करना था, दिखाना था, बताना था कि कैसे ये इक्वल हो रहे हैं, हमें प्रूफ करना था। ये देखिए ना,
थ्री एक्स प्लस सेवन का होल सिंप्लीफाई नहीं करना था, प्रूफ करना था। तो हमें इस आइडेंटिटी को फॉलो रखना है। अभी आइडेंटिटी क्या कहती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है माइनस फोर ए बी, अगर आप करेंगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। देखो होता कैसे है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और इसमें से फोर ए बी को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, फोर ए बी में से टू ए बी जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। अब ये फॉर्मूला किसका है, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो डायरेक्टली हमने लिखा है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे प्रूफ करके भी बताया, जब वैल्यूज को पुट किया है यहाँ पे, तो चीजें हैं आसान, बस आपको समझना पड़ेगा कि आपकी अप्रोच क्या है। सेम यहाँ भी वही चीजें हैं, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी, राइट। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, माइनस फोर ए बी कर दिया, माइनस फोर ए बी किया तो ये माइनस टू ए बी स्क्वायर हो गया। अब ये इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूले से क्या मिला हमें, ये मिला। तो यहाँ से जब इस क्वेश्चन को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कंप्लीटली, और देखेंगे आप डायरेक्टली ये चीज़ प्रूफ हो गई, और सो दैट भी हमने कर लिया, यही तो हमें दिखाना था। इस क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही करेंगे हम, देखिए, और यहाँ पे भी हम सेम वही अप्रोच रखेंगे, और उसी अप्रोच के साथ यहाँ भी सॉल्व करने वाले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा यहाँ, देखिए यहाँ पे हमने कर लिया सॉल्व, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, और हम भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टू कैसे आ रहा है, फोर से फोर कैंसिल हो रहा है, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो रहा है, तो टू एम एन आ रहा है, और ये तो सेम वैसे ही है। और यहाँ पे फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, थ्री का स्क्वायर नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो इस तरीके से ये 16 अपॉन 9 का एम स्क्वायर आ रहा है और 9 अपॉन 16 का एम स्क्वायर आ जा रहा है। सेम यहाँ भी हमें बताना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इसको फिर प्लस करेंगे, फोर ए बी के बराबर होगा ये कम्प्लीटली। तो ये फोर ए बी डायरेक्टली हम पुट कर देंगे यहाँ पे, देखिए फोर ए बी हमने पुट कर दिया, तो 48 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर पी हो गया, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बहुत सिंपल, अगर इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना आप, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और फिर बी माइनस सी और बी प्लस सी, तो ये देखिए सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू यही होगी, और यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, इन सबको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये जीरो हो जाएगा आंसर हमारा। देखिए आइडेंटिटीज का यूज करना और उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान होता है। अब 71 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, अब 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 4900, ये 140 और ये 1, तो 5041 हो गया। इसी तरीके से 99 का स्क्वायर दिया हुआ है, 100 माइनस 1 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस 1, सो 9801 हो गया। इसी तरीके से 102 का, तो 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 400 प्लस 4, 10404। इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर 1,000 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1,000 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो वन ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली 10 लाख, और ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 4, इन सबको अगर आप सॉल्व करोगे तो 996004 आएगा। सो आइडेंटिटीज का यूज करके चीज़ों को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। 5 प्लस 0.2 ये हो जाएगा 25, प्लस 2 प्लस 0.04, चीज़ें आसान हैं, और इस तरीके से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। 297 × 303 ये हो जाएगा 300 प्लस 3, और ये हो जाएगा 300 प्लस 3, 300 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 90,000 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 89991। देखिए 78 × 82 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 78 यानी कि 80 एक की वैल्यू है और ये 2 है, तो 80 प्लस 2 और 80 माइनस 2 ये दोनों में हमने कर दिया यहाँ पे, और इस तरीके से चीज़ों को इजीली सॉल्व किया कर पाएंगे हम। 8 माइनस 9 दिया हुआ है, तो 9 माइनस 0.1 कर लेंगे ताकि चीज़ें आसान हो जाए। सो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी, टू ए बी 81, और ये हो जाएगा माइनस का 1.8 प्लस 0.01, 79.29 होगा।
अब है 1.05 × 9.5 का स्क्वायर। तो ये 1.05 में 9.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी से आता है हमारा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमने कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चीज़ें इस तरीके से आ जाएंगी। सिंपल है क्वेश्चन, बस आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये क्वेश्चन बन रहा है। बन कैसे रहा है देखिए, एक तो आपके पास ये दिया हुआ है, ये ए प्लस बी हमने बनाया। अब ए प्लस बी बनाने के लिए 1 + 0.05 किया हमने, ए माइनस बी बनाया हमने, तो ये 1 a - b हो गया। इस तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, और ये जब हम इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा 1 का स्क्वायर 1 और ये 0.05 का। अब 0.05 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 0.05, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये 0.0025 इसका आंसर होगा, राइट। और इस तरीके से हम चीज़ों को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी, सो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा 2 × 100 एंड 200 हो जाएगा। चीज़ें आसान है, 1.02 का होल स्क्वायर माइनस 0.98 का होल स्क्वायर, ये 1.02 माइनस 0.98, 1.02 प्लस 0.98, तो 0.04 का स्क्वायर इक्वल टू 0.08, राइट। 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर, सो 153 माइनस 147, 153 प्लस 147, राइट। और 6 × 300 इक्वल टू 1800, राइट। वो 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, सो 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, ये 12.1 माइनस 7.9, 12.1 प्लस 7.9। तो इस तरीके से आप देखोगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हमारा 12.1 जो दिया हुआ है, इसको अगर सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो ये आएगा, और इसको प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा। तो चीज़ों को आप इजीली समझ सकते हो, बट आपको आपकी जो अप्रोच है ना, वही आपको सॉल्व, उसी के थ्रू ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 103 और 104 दिया हुआ, तो 100 + 100 + 3 100 + 4 हो जाएगा ये। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी और ये 100x यानी कि, और ए बी यानी कि 4 3 4 = 12, इन सबको प्लस कर देंगे 107 12 आ जाएगा। तो 5.1 और 5.2 का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 और ये ए इक्वल टू 0.1 और बी इक्वल टू 0.2 हो जाएगा, और 5.01 और 5.02, तो ये 25 हो जाएगा, और 1.5 प्लस 0.02 सो 26.52 हो जाएगा। इजीली आप चीज़ों को देख सकते हो और समझ सकते हो। सो 103 में 98 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, तो ये 100 और ये 3 और -2 और प्लस ए बी, सो 100 + 3 और 100 - 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी एक्स और माइनस का 6। सो इस तरीके से चीजों को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, और जब इसको करेंगे तो 100 94 हो जाएगा, 10094। एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू 100 है ना, तो ये देखिए ये हो गया ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी यानी कि ये 1 हो गया, 1 100 माइनस का 6, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। कुछ चीज़ें डायरेक्ट मैंने लिखी हुई हैं, क्योंकि अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, और जब हम इस फॉर्मूले को देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और ए इंटू बी, आप सोचो सर ये कैसे होगा। देखिए एक्स की वैल्यू 10, ए की वैल्यू -0.2, बी की वैल्यू 0.3, ये देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 100 - 5 + 0.06 होगा 95.0 95.06, यही इसका आंसर ही होगा, राइट। अब होता क्या है कि क्वेश्चन में पॉइंट जब देखते हैं ना, बच्चे डर जाते हैं। अब देखिए 9.7 दिया हुआ है और × 9.8 दिया हुआ, तो आप इस चीज को समझो ना कि ये 10 - 0.2 हो गया, राइट, और ये हो गया 10 - 0.3। अब है क्या इसमें, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, राइट। x की वैल्यू 10 है यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस a प्लस b 0.3 और 0.3 और 0.2x, 0.2 प्लस 0.3x, राइट, तो ये हो जाएगा 5, राइट।
फाइव इंटू और एक्स की वैल्यू 10 है तो 5 × 10 यार 5 हो गया, लेकिन 0.5 × 10 तो ये 5 हो गया, और ए इंटू बी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये 0.06 हो गया। अब इन सबको सॉल्व जब करेंगे, ये 95 + 0.06 करेंगे तो 95.06 होगा, और इस तरीके से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है, ना सिर्फ ये एक्सरसाइज बल्कि ये कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर, वेबसाइट को नहीं बल्कि आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और हमारे डाउट लेक्चर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।